दोस्तों, चाची की रसोई में आपका स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ क्रीम ब्रूले, जिसको इंग्लिश में क्रीम ब्रूले बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका बर्न क्रीम, यानी कि जली हुई क्रीम। और इसमें इसको फ्रेंच में बोलते हैं क्रीम क्रैम ब्रूले, और स्पेनिश में बोलते हैं क्रैम कतलाना। और इसके लिए जो मैंने लिया है, 750 ग्राम क्रीम ली है मैंने, 6 अंडों का योक लिया है, येलो पार्टी लेते हैं, और इसके लिए 250 ग्राम चीनी ली है, जिसमें कि 200 ग्राम चीनी अंडे में जाएगी और इसको हम एक साथ फेंटेंगे। और जो इसके मैंने 3 फ्लेवर मैं इसके आपको सामने बनाऊंगी। सबसे पहला फ्लेवर है माचा, ग्रीन टी भी होती है ये, माचा फ्लेवर, कॉफी फ्लेवर, वनीला फ्लेवर। और अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाया जाता है क्रीम ब्रूले। ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रही हूँ, और ये 15 मिनट तक पकनी चाहिए, और ये फुल फैट क्रीम मैंने यूज़ की है। और अब मैं जो मैंने अंडों का योक लिया है, उसमें 200 ग्राम चीनी डाल के उसको फेंटूंगी। मैं अंडे में 200 ग्राम चीनी डालूंगी और 50 ग्राम चीनी में बचा लूंगी, उसका मैं कैरेमल बनाऊंगी। क्योंकि मैंने ये जो 6 योक लिए थे अंडे का येलो पार्ट, उसके अंदर 200 ग्राम चीनी मैंने डाल दी, और मैं अब उनको फेंट रही हूँ, और उधर मेरी क्रीम पक रही है। ये देखिए, मेरी क्रीम में उबाल आ गया है, और मैंने गैस बंद कर दिया, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए एक साइड में क्रीम को रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और इधर मेरा अंडा भी अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है, ये देख लिया, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से। और अब मैं पहले ठंडा होने का इसका क्रीम का इंतज़ार करती हूँ, और फिर उसके बाद दोनों को मिक्स करूँगी धीरे धीरे। ये देखिए, क्रीम हल्की हल्की ठंडी होनी शुरू हो गई है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। ये देखिए, वैसे तो क्रीम थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सी लिटिल क्रीम अंडे में डालूंगी, अंडे का जो बैटर है एग का, इस जिससे कि अंडे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, टेम्परिंग करने के लिए, जिससे कि अगर हम अंडे को डायरेक्ट, अंडे के बैटर को, एग बैटर को हम डायरेक्ट क्रीम में डालेंगे तो वो पक जाएगा और फट जाएगा, जैसे भुर्जी में होता है ना, उस तरीके से हो जाता है। तो इसके टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हम पहले क्रीम को थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, फिर हम इसके अंदर मिक्स करेंगे क्रीम में। और आपको एक और चीज़ बता दें कि अमूल की क्रीम नहीं लेनी है, फुल फैट क्रीम लेनी है जो डेयरी पे मिलती है, क्योंकि वो बिल्कुल वो कभी भी फटती नहीं है। ये देखिए, अब मैं इसमें इसको मिक्स कर दूंगी धीरे धीरे, इस तरीके से मिक्स करते चले जाएंगे। देखिए, हाथ से हिलाना भी जरूरी है, नहीं तो ये इसके ये फट जाता है। ये तैयार है क्रीम और एग का मिक्सचर। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि मुझे 3 फ्लेवर बनाने हैं 250-250 ग्राम के कप से मैं नाप के। इसमें मैं लूंगी कॉफी फ्लेवर। इस तरीके से मिक्स करेंगे। दूसरा फ्लेवर बनाएंगे माचा। और आपको एक चीज और बता देती हूँ, मैंने 50 ग्राम चीनी बचा के रखी थी, उसका हम बनाएंगे सबसे एंड में कैरेमल। और अब मैं इसमें मिक्स करती हूँ माचा। ये देखिए, मिक्स हो गया है, कांच के बाउल हैं ये, इसको मैंने बेकिंग ट्रे में ले लिया है, और मैं इनको बेक करने जा रही हूँ। और इनके लिए सबसे पहले इसमें जो ट्रे है, इसमें डालेंगे हम पानी। ये देखिए, और अलग अलग फ्लेवर में बेक करूंगी। ये जो एक एक बाउल में मैं डालूंगी कॉफी फ्लेवर, ये देखिए। और मैंने जो है अपना अवन वो पहले से ही प्री हीट पे कर दिया है, 150 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट के लिए पहले से ही रख दिया था 10 मिनट के लिए। और अब मैं इसको बेक करूंगी 150 डिग्री पे 40 मिनट के लिए। और दूसरे में मैं करूंगी माचा। ये देखिए, बस
देखिए इसके अंदर पानी इसलिए डाला जाता है जिससे कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी ही रहे, और इसे डबल बॉयलर भी कहते हैं। ये स्टीम में भी पकेगा और अवन की मिक्स हीट में भी पकेगा, तो इसीलिए इसकी ट्रे में पानी डाला जाता है। वनीला फ्लेवर। और अब मैंने आज जैसा आपको बताया था कि मेरा ओवन जो है प्री हीट पे पहले से ही है, 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट पे रख दिया था, और अब मैं इसको 150 डिग्री पर 40 मिनट के लिए पकाने के लिए ओवन में रख रही हूँ। ये देखिए ओवन बंद हो गया है, मेरे क्रीम रूल में बेक होके तैयार हुए हैं, और अब मैं इनको फ्रिज में रखूंगी 2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं इसको बाद में सर्व करेंगे। तभी मैं इसको पहले 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ। मेरे क्रीम ब्रूले जो मैंने बेक किए थे उनको 2 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में लगाए हुए, वो काफ़ी ठंडे हो चुके हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ कैरेमल। उसके लिए मैंने ये 50 ग्राम चीनी और मैंने गैस पर रख दिया है पैन में लेके, और गैस बिल्कुल सिम होनी चाहिए, और उसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच पानी, और इस तरीके से चलाएंगे। देखिए मेरी शुगर मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इसको ज़्यादा चलाते नहीं है, वही बस मैंने जो स्टार्टिंग में चलाई थी उतनी ही थोड़ी बहुत चलाते हैं, और ये मेल्ट होने लगी है, और जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तब हम इसको गैस को बंद करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये देखिए ये थोड़ा और पकेगा। हमारा कैरेमल तैयार है, और अब हम गैस बंद कर रहे हैं, और इसको डालेंगे अब हम एक उल्टी कटोरी पे। ये देखिए उल्टी कटोरी पे इसको इस तरीके से जाल के तरह से, क्योंकि तार बन जाता है चाशनी का, तो बहुत तेजी से हाथ हिला हिला के जाल की तरीके से डालना है, और फिर इस कटोरी को उठा के हम उस पर क्रीम ब्रूले पे लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से जाल बन जाना चाहिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा तो हम इसको जो हमने ये फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख दिए थे इनके ऊपर ये कटोरी को हम उल्टा करके इस पर चिपका देंगे। ये देखिए इसको चाकू से ऐसे हटाएंगे, कटोरी ठंडी होने के बाद ये देखिए कैसे निकल के आया है। ये बहुत आसानी से आ जाता है दोस्तों, बहुत टफ नहीं है, सिर्फ आपको चाशनी बनाने का ध्यान रखना है, कैरेमल बनाने का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। बहुत तेजी तेजी से इसको कटोरी पे डाल के, या किसी भी आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं उस पे डाल के आप इसको, जब वो ठंडा हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, बहुत इजी है। और इस तरीके से हम इसको इस पे लगा देंगे। ये देखिए ये हमारे क्रीम ब्रूले तैयार हैं, और इसी तरीके से मैं अब ये जितनी भी कैरेमल बची है इसको कटोरी पे डाल के अपने सारे क्रीम ब्रूले पे लगा दूंगी, और अभी दिखाते हैं। हम इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारी कैरेमल जो है थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। दोस्तों हमने ये तरीका इसलिए अपनाया है कैरेमल बनाने का क्योंकि हम पे शुगर जलाने का कोई और तरीका नहीं था, और ये देखिए ये मेरा तीसरे कैरेमल जाल तैयार है, और अब मैं इसको कटोरी को उठाऊंगी और हल्का सा ठंडा करके इसमें से ये जाल को निकाल के डेजर्ट पे लगा दूंगी। ये देखिए दोस्तों मेरे क्रीम रूले तैयार हैं, और इनको हमने जैम से गार्निश कर दिया है, और आप जो भी फ्लेवर लेना चाहें उसको उसी फ्लेवर से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये देखिए मेरे क्रीम ब्रूले तैयार हैं, और अब हम इन्हें खाने जा रहे हैं। थैंक यू।